से पीछे रह जाती है। तो सत्ता पर पहले काबिज कांग्रेस अब 83 पर आ गई, तो उसको इसी से संतोष करना पड़ेगा कि भाई हम विपक्ष में बैठेंगे। इसके अलावा राजस्थान में इस बार अन्य 12 सीटों तक सिमट चुका है। एक बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में यह भी कहा गया, पिछली बार जब बीजेपी जीती थी तो 165 सीटें मिली थी उसे 2013 में, रानी साहिबाग तब चुनावी चेहरा थी। अब की बार बीजेपी ने इसको डाइल्यूटेड रखा है और कोई भी साफ चेहरा नहीं बताया। बड़े बड़े कद्दावर नेता मैदान में उतरे हैं रानी साहिबा समेत, और कुछ तो केंद्रीय मंत्री भी और सांसद भी वहां शिरकत कर रहे हैं। चलिए इससे पहले कि वहां के नेता क्या कहते हैं, भवानी सिंह से बात करते हैं। भवानी नमस्ते, राजस्थान में मूड क्या है? एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या जो भी जीतेगा बड़े नंबर से जीतेगा कि 100 के आसपास के आंकड़े से जीतेगा? ये टाइट फाइट तो नहीं? देखिए, राजस्थान के जो एग्जिट पोल आए उसके बाद में पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, उसके बाद में एग्जिट पोल के जैसे ही कुछ मिक्स आए, ज़्यादातर हालांकि एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है, कांग्रेस नहीं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में थोड़ी बहुत उम्मीद जताई, उसके बाद में हलचल कांग्रेस में शुरू हो गई है कि कांग्रेस को कहीं उम्मीद लगने लगी कि राजस्थान में हम आ रहे हैं। मैं बात करूंगा, मेरे साथ बीजेपी के नेता भी हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनके पास अभी जाते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं कि मोटे तौर पर अभी प्रताप सिंह खचरियावास से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तो ये उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अब लग रहा है कि शायद उम्मीद जगी है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं, पहले उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं अभी, उसके बाद में कांग्रेस के अंदर उम्मीद जग गई है? देखो, मरते हुए मैं थोड़ी सांस एग्जिट पोल ने डालने की कोशिश की है, लेकिन वो सांस टेम्परेरी है, इनको तो अब मरना ही है। मैं मरना शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि गत 2018 के चुनाव में इनको एक सीट मिली थी धौलपुर में, बाकी 27 सीट इनको गई थी घाट की गुणी से लेकर भरतपुर धौलपुर तक। उनमें से मैं 22 सीट पर अब की पार घूमा हूँ प्रचार की दृष्टि से, पार्टी ने भेजा था। जिस जिले से मैं घूम रहा हूँ वहाँ चारों सीट आ रही है, मेरे बगल के जिले दौसा में चारों सीट आ रही, तो उसकी अरे इधर जम्मू रामगढ़ बस्सी चाकसू नेवाई ये सारा, तो जहाँ एक सीट आई थी वहाँ 20 से 22 सीट आ रही हैं। तो फिर किसी भी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जिट पोल सही है। तो आप कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान, जिसने पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनाई थी, कहा यही जाएगा सचिन पायलट का जिसपे थोड़ा प्रभाव माना जाता, तो आप ये कह रहे हैं कि अब की बार पूर्वी राजस्थान मोटे तौर पर बीजेपी के साथ है, यानी कि जो पायलट कार्ड पिछली बार चला इस बार नहीं चला? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसका कार्ड चला किसका नहीं चला, पर पूर्वी राजस्थान में एक अंडरकरंट भारतीय जनता पार्टी का 28 सीटों पर देखा गया, और उसका कारण जो सबसे बड़ा है, जो मैं गया यूथ में बहुत जोश था, किसानों में बहुत असंतोष था। यूथ का तो कारण 1,12,00,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जो सारे पेपर लीक हुए, मछलियाँ पकड़ ली मगरमच्छ नहीं पकड़े, जिसमें कई मिनिस्टर भी हैं, RPSC के चेयरमैन भी हैं और उसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, वो एक अलग बात है। और एक जो तुष्टिकरण हुआ, जैसे करौली में हमारा नववर्ष प्रतिपदा का जुलूस नहीं निकलने दिया, PFI कोटा में निकल, तो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा रही, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा रही। गहलोत साहब ने जो असीमित अधिकार विधायकों को दे दिए, उन्होंने बुरी तरह से लूटा है, वो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी स्थानीय स्तर पर है, अंडरकरंट बीजेपी का था। अंडरकरंट की बात करें, भवानी जरा पूछे, भवानी जरा जल्दी से पूछे, रानी साहिबा को साफ चेहरा नहीं दिखाया तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? 2013 में 165 सीटें मिली बीजेपी को, अब की बार थोड़ा कम दिख रहा है आंकड़ा। जी आनंद, ये भी बात करता हूँ डॉक्टर साहब, पहले तो एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो एग्जिट पोल के अंदर कुछ उम्मीद जैसे जताई, ज़्यादातर बीजेपी आ रही है, उसके बाद में आपके पास क्या खबर है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस उम्मीद में तैयारी कर रही है, निर्दलियों से संपर्क में? हाँ हाँ, क्या आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बड़े जोश खरोश के साथ गवर्नर साहब से मिलने गए, और वो अपने बताया हमारा सरकार आ रही है, तैयारी कर ली उन्होंने, तो इस तैयारी में एक तैयारी और जुड़ गई जो मेरे को बड़ा विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि इन्होंने बेंगलोर में 2 रिसोर्ट बुक कर लिए हैं, और वहाँ 2 दिन बाद देख लेना ये सारा हॉर्स ट्रेडिंग का काम वहीं से चलेगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस उम्मीद में बाड़ेबंदी करेगी? इस उम्मीद में बाड़ाबंदी करेगी और वो सारे निराश लौटेंगे। वो मेरी समझ में
60 से 70 से ज्यादा सीट पार नहीं कर सकती। आप नहीं करेंगे बाड़ाबंदी? हम बाड़ाबंदी क्यों करेंगे, हमने कभी बाड़ाबंदी की भी नहीं, की तो आवश्यकता नहीं, इसलिए कि हम तो प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौट रहे हैं। लेकिन अगर फाइट में आई तो वसुंधरा राजे अपना आप में, आपको क्या लगता है कि अगर फाइट में रही उस स्थिति में क्या होगा, क्या वसुंधरा राजे आपका सीएम फेस? नहीं नहीं, ये मैं सीएम के फेस में के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि आप जानते हो हमारे तो जो सेंट्रल लीडरशिप है और विशेषकर प्रधानमंत्री जी हैं वही तय करते हैं, उन्हीं के चेहरे पर। वसुंधरा जी की भूमिका क्या रहेगी, आपको क्या लगा? आपके बार उनके समर्थकों को काफ़ी टिकट मिले हैं, लगभग माना जा रहा था कि 50 के लगभग जीत कर आते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको लगता है कि खींचतान नहीं हो सकती है या कांग्रेस कोशिश नहीं करेगी कि उन? आपने देखा होगा कि खींचतान न तो टिकटों में हुई, सहज भाव से टिकट मिल गए सबको, उसमें न वसुंधरा ने, किरोड़ीलाल ने, राजेंद्र राठौड़, वो कमल का फूल है और उस सब कमल के फूल को सब ने जिता के इतने के ताकत लगाई। राजस्थान में वसुंधरा जी भी घूमी, मैं भी घूमा, बड़े राष्ट्रीय नेता तो घूमे ही, इसलिए तनातनी या खींचातान की कोई बात नहीं होगी। या तो एक या उनकी तरफ से सीटों का आकलन कितना है और भाजपा कितनी सीटें जीतेगी, चौंकाने वाला दृश्य प्रधानमंत्री जी राजस्थान में पैदा करेंगे। आपको क्या लगता है, आप तो आपने काफी स्टार प्रचारक के रूप में काफी दौरे किए, रैलियां की, कितनी सीटें बीजेपी आ सकती है मोटे तौर पर, आपका अनुमान क्या, आपका आकलन काफी रहता है? 120 पल की ताजुम नहीं, 130 प्लस हो जाए, ये मैं जो चारों तरफ से मैंने सूची। लेकिन कोई एग्जिट पोल तो इतने दे नहीं रहा। एग्जिट पोल तो आपको पता है 2013 में कांग्रेस को 49 सीट दे रहा था जो 21 पे सिमट गई, भारतीय जनता पार्टी को 110 सीट दे रहा था जो 163 पर पहुंच गई। कई बार एग्जिट पोल के दावे सही नहीं निकलते। आप एक कह रहे हैं कि 120 क्रॉस कर सकती, 30 पहुंच सकती है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार जो ओपीएस है गेम चेंजर होगा और वो उनको वापस गेम में ला रहा। देखो ओपीएस हो चाहे जो बाकी की रेवड़ियां बांटी हों, मोबाइल बांटा, सब कुछ उनको राजस्थान की जनता को जो कुछ इनके हाथ में था देने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान की जनता ये जान गई कि चुनाव के टाइम पे दिए जा रहे हैं वोट पाने के लिए, ये बिल्कुल सीधा मन मस्तिष्क पे राजस्थान की जनता। एक और बात है कि चुनाव के दौरान भवानी आपकी बड़ी दिलचस्प बात किशोरी लाल मीना जी से, लेकिन सबसे बड़ी बात कि चुनाव के दौरान करीब 650 करोड़ रुपए सीज भी किए थे चुनाव आयोग ने और करप्शन ब्यूरो ईडी ने, और वहां पर जब छापे पड़े थे तो 650 करोड़ रुपए की तरफ कैश भी सीज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, टारगेट महापोल का सिलसिला अखाड़ा में चलता रहेगा, ब्रेक के बाद।